हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वुमेन वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन मैच विनर के बारे में और पिच रिपोर्ट के बारे में। पिच रिपोर्ट बताने से पहले गाइस, आप मैंने वीडियो में लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और द बैटिंग प्रिंसेस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको बैक टू बैक अपडेट मिलती रहेगी, तो जल्दी से मेरा टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके गाइस, तो चलिए अपन बात करेंगे यहाँ पर पिच रिपोर्ट के लिए। पिच रिपोर्ट क्या रहेगी यहाँ पर, अगर जो भी टीम फर्स्ट बैटिंग पे आती है उसके 100% यहाँ पर विनिंग का रेशियो रहेगा, और जो सेकंड बैट पर टीम आएगी उसका 0% विन होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर सेकंड बैट पर जो टीम आएगी उसका विनिंग का रेशियो बहुत ही मतलब 0% रहेगा इसका। पैच और स्पिन की बात करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर जो भी टीम तेज बॉल फेंकती है उसके 43 विकेट लेने के यहाँ पर 44% तक यहाँ पर संभावना इसकी बनेगी 43 विकेट लेने की। ओके, जो धीरे बॉल फेंकेगा उसके 55 विकेट लेने की यहाँ पर संभावना बनेगी 56% तक इसकी 55 विकेट लेने की यहाँ पर संभावना बनेगी गाइस। ओके, तो यहाँ पर जो धीरे बॉल फेंकेगा उसके विकेट लेने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनेगी, उसका पलड़ा भारी रहेगा। ओके, आगे अपन बात करेंगे यहाँ पर टीम कंपैरिजन के लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वुमेन के लास्ट के 10 मैच थे, लास्ट के 10 मैचों में से इसने 90% मैचों को विन किया है, यानी 9 मैचों को यहाँ पर विन किया है इसने। और एवरेज स्कोर की बात करते हैं तो 137 इसका एवरेज स्कोर रहा है ऑस्ट्रेलिया वुमेन का। हाई स्कोर की बात करेंगे तो 182 इसका हाई स्कोर रहा है ऑस्ट्रेलिया वुमेन का। ओके गाइस, न्यूजीलैंड की बात करते हैं यहाँ पर। न्यूजीलैंड के लास्ट के 10 मैच थे, लास्ट के 10 मैचों में से इसने 50% मैचों को विन किया, यानी 5 मैचों को यहाँ पर इसने विन किया है। और एवरेज स्कोर की बात करते हैं यहाँ पर 130 इसका एवरेज स्कोर रहा है। हाई स्कोर की बात करेंगे यहाँ पर 167 इसका हाई स्कोर रहा है न्यूजीलैंड वुमेन का। ओके गाइस, आगे यहाँ पर अपन बात करते हैं हेड टू हेड की बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने यहाँ पर लास्ट के 10 मैच थे, लास्ट के 10 मैचों में से 7 मैचों को यहाँ पर विन किया है। और न्यूजीलैंड वुमेन ने यहाँ पर लास्ट के 10 मैच थे, लास्ट के 10 मैचों में से इसने 3 मैचों को यहाँ पर विन किया है गाइस। ओके, टीम फॉर्म के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वुमेन के 5 मैच थे, लास्ट के 5 मैचों में से 5 मैचों को विन किया है। न्यूजीलैंड की बात करेंगे यहाँ पर 2 मैच इसके लूज गए हैं, 3 मैच विन हुए गाइस। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है गाइस। ओके, टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर पंटरों के अकॉर्डिंग बात करते हैं यहाँ पर, तो 21,000 पंटरों ने वोटिंग की है, 2100 लोगों ने यहाँ पर वोटिंग की है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने यहाँ पर 45% इसका पलड़ा रहा है पंटरों के अकॉर्डिंग, और न्यूजीलैंड वुमेन का यहाँ पर 55% तक पलड़ा रहा है पंटरों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पंटरों के अकॉर्डिंग यहाँ पर न्यूजीलैंड वुमेन का ज़्यादा पलड़ा भारी रहा है। ओके गाइस, जो लेकिन मैंने यहाँ जो कैलकुलेशन लगाई है मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरी टीम रहेगी ऑस्ट्रेलिया वुमेन, तो आपको भी ऑस्ट्रेलिया वुमेन को ही सपोर्ट करना है। बाकी की अपडेट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगी, फाइनल अपडेट्स मैं टेलीग्राम चैनल में देती हूँ, टॉस प्रोडक्शन अपना टेलीग्राम चैनल में देती हूँ, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको बैक टू बैक अपडेट मिलती रहेगी। पर अभी फिलहाल यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वुमेन को ही ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट में रखेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।